अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा सरल के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है ना कन्फ्यूजन है, और काफ़ी दिनों से 2-3 दिन से कंटिन्यूसली सरल का जो स्टॉक है वो नीचे गिर रहा है। इसकी वजह जो है वो बेसिकली ये है कि लोगों ने दो कंपनीज में कन्फ्यूज़ कर दिया। अब जैसे पार्क सुजुकी थी, जब उसने डिसाइड किया कि वो सेल आउट करना चाहते हैं अपने शेयर्स मार्केट से, ठीक है ना, लोगों को बेचना चाहते हैं, तो हुआ क्या कि उसकी प्राइस बढ़ रही थी। सब लोगों ने ऐसे ही अज्यूम किया कि जब सरल पाकिस्तान जो है वो अपने स्टॉक्स बेचने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया कि सरल पाकिस्तान अपने स्टॉक्स बेच सकता है, उसके बाद लोगों ने धड़ाधड़ स्टॉक उठाना शुरू कर दिए कि भाई इसकी प्राइस तो ऊपर जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा, और 2 दिन से कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा है, और ऑलरेडी सरल काफ़ी ऊपर था। उसकी वजह ये कि कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, एक है सरल कंपनी, ठीक है, और दूसरी है सरल पाकिस्तान। अब सरल कंपनी एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है, यानी कि जो बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो मेन कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है या उसकी छोटी छोटी कंपनी है जिसका नाम है सरल पाकिस्तान, ठीक है ना। सरल पाकिस्तान काफ़ी दिनों से जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार थी, तो सरल पाकिस्तान का जो बेसिकली सरल के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया कि भाई आप सरल पाकिस्तान के तमाम शेयर्स बेच सकते हैं। किस प्राइस से बिकेंगे, क्या बिकेंगे, ये नहीं था। लेकिन जैसे ही न्यूज़ मार्केट में तो लोगों ने धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया, उसका नुकसान यह हुआ कि प्राइस उड़ गई, ठीक है। और जैसे ही लोगों को पता चला कि नहीं भाई वो सरल की नहीं, सरल पाकिस्तान की बात हो रही है, तो अब तब से वो सरल का जो स्टॉक है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेस वैल्यू पे तकरीबन वापस आता जा रहा है। तो ये पूरी कहानी है सरल की और सरल पाकिस्तान के जो स्टॉक की पूरी स्टोरी हुई है, जो मुझे समझ में आई है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, फ्रॉम माय साइड।